हम बात करने जा रहे हैं IOC की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। अगर आज के दिन की बात की जाए तो 3% तक के हमको गिरावट देखने के लिए मिली है, और हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने EC लेवल से रिजेक्शन लिया है 96 के लेवल से, और बाउंस बैक हो गया था 90 के लेवल के आसपास से, लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ से फिर हमको गिरावट देखने के लिए मिली है। अभी इस गिरावट के साथ एक मौका बन सकता है ख़रीदारी का। अब अगर यहाँ से बाउंस बैक कर गया तो दोबारा इस लेवल पे नहीं दिख सकता। अब बाउंस बैक करके जहाँ से स्टॉक रिजेक्शन ले रहा है 96 के लेवल को, इसको ब्रेकआउट दे सकता है। अगर आपने इस लेवल पर भी ख़रीदारी की हुई तो पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हो। मार्केट में भी तेज़ी बनी हुई है, तो उस हिसाब से जैसे ही 96 के लेवल को ब्रेकआउट देगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। बाउंस बैक करके तो इमीडिएट हमको 100% के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर 100 के लेवल को ब्रेकआउट देगा तो फिर वैसी सिचुएशन में हमको 120 तक के भी टारगेट इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें होल्ड करके चलना ही बेहतर है। अगर आप 3 से 4 महीने अगर होल्ड करते हो तो यहाँ हमको 120 तक के भी लेवल इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं।